हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। ये देखो कितनी बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार हो रही है मेरी। आज मैं बना रही हूँ कैबेज कुंदरू चंक्स और आलू की सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत टेस्टी मज़ेदार। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, रोज़मर्रा की चीज़ें बनाते बनाते एक टाइम इतनी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है, कभी कभी ना बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। तो आज वही सब्ज़ी बनी है मेरी। तो ये देखो, अब मैंने डाला है कुकर में घी। घी डालने के बाद मैं डालूंगी तेज़पत्ता एक, अभी घी मेरा गर्म हो रहा है, और एक ही लाल मिर्ची डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। मैं तड़के में ऐसे ही डाल रही हूँ तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कभी कभी आपका लक होता है ना, ना चाहते हुए भी बनाते हो सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बन जाती है। वैसे ही बनी थी आज सब्ज़ी, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी थी। आज मेरे पास सब्जियां नहीं थी, जो जो थोड़ा थोड़ा था ना उसी की जुगाड़ से मैंने सब्ज़ी बनाई थी। पत्ता गोभी था तो आलू था और कुंदरू थोड़े बचे हुए थे, तो कुंदरू भी बचे थे, चंक्स भी बचे हुए थे, उसको सब धो धा के काट कूट के मैंने आज मिक्स सब्ज़ी बनाई है, तो बड़ी टेस्टी मज़ेदार बनी है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, लक होता है, कभी अच्छा सामान डालने के बावजूद सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस सब्ज़ी के लिए ना, इतना बच्चे के रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता जितना सब्ज़ी टेस्टी बनने के लिए वेट करना पड़ता है। सच में कह रही हूँ, बहुत मज़े, बहुत ही मुश्किल है सब्ज़ी बनाना भी और खिलाना भी, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं मेरे घर वालों को बना के खिलाती हूँ। इसमें मैंने डाला है जी प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट जो मैं डालती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च कुटी हुई, दरदरी कुटी हुई मिर्च। ये देखो, मैं कोई गरम मसाला नहीं डालूंगी, धनिया का पाउडर नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी। अभी मेरा प्याज भुंदी जा रहा है, एक ही प्याज डाला था क्योंकि सब्ज़ी सब थोड़ी थोड़ी थी, तो एक ही प्याज डाला है और दो टमाटर के कद्दूकस करे हुए हैं। तो ये देखो, अभी मेरा टमाटर भुना नहीं है, ये मेरा टमाटर भी तेल छोड़ चुका है, घी छोड़ चुका है, तो अब इसमें डालूंगी मैं सोया चंक्स डालूंगी। ये देखो, सोया चंक्स और कुंदरू हैं थोड़े थोड़े, तो वही डाल के सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ, इतनी टेस्टी मज़ेदार बन जाएगी, पता नहीं था किसी को। तो चलो देखते हैं कैसे बनी। अब मैंने डाला है जी कुंदरू, और कुंदरू बहुत कच्चे मिले थे, अच्छे भी मिले थे मुझे। कुंदरू तो लाई थी मैं आधा किलो, पर उसमें ख़राब कुछ निकले, कुछ बचा हुआ था, इतना ही बचा हुआ था। तो कुंदरू के बाद डाल दिए मैंने आलू और लास्ट में डालूंगी पत्ता गोभी। ये देखो, छोटा छोटा मैंने पत्ता गोभी काट लिया है, पत्ता गोभी मैं चाउमीन वगैरह कुछ बना नहीं रही इसलिए बचा हुआ था, वरना फेंकने में जाता, तो उसको भी धो धा के छांट के काट लिया था मैंने। ये देख लो, अब मैंने डाल दिया पत्ता गोभी के अंदर थोड़ा सा पानी, क्योंकि वो ये पानी ज़्यादा छोड़ता नहीं है, वैसे नमक डालोगे तो तब छोड़ेगा, मैंने नमक पहले ही डाल दिया था। तो गैस में ये देखो कितना बढ़िया कलर आया मेरा सब्ज़ी का, इतना बढ़िया कलर और इतनी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी बनी। मैं यहाँ पे लास्ट में चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ, ये देखो चाट मसाले से ना सब्ज़ी A1 हो जाती है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और हरा धनिया डाला और चाट मसाला। और आपको मेरी सब्ज़ियाँ कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर लिखे, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।